तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। मेरा नाम है सागर, आप सभी जानते हैं, नाम जान के क्या करिएगा, काम जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 वैकेंसीज के बारे में। इसमें हमारे गवर्नमेंट वैकेंसीज भी हैं, ठीक है। अरे यार, बहुत ज़ोर से हवा चल रहा है, कोई बात नहीं। तो पहला वैकेंसी हमारा मेंटल हॉस्पिटल यानी कि कांके पागलखाना में 11 वैकेंसी है यहाँ पर। उसके बाद जानेंगे रांची का एक जो आर्म फोर्स, मतलब एक तरह से जो सैन्य हॉस्पिटल होता है, सैनिक हॉस्पिटल, उसमें वैकेंसी है। यहाँ पे आपके चौकीदार से लेकर के पूरा अच्छे ग्रेड ऑफिसर तक की वैकेंसीज हैं इसमें, ठीक है। और 1, 2, 3, 4 तो 6 और 1, 7, 3, 10, 13 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट जॉब है हमारा 3, ठीक है। 2 स्कूल में और 1 है हमारा हॉस्पिटल में। मतलब कुल मिला के 3 हॉस्पिटल की वैकेंसी है, 2 स्कूल की वैकेंसी है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग, ठीक है, हॉस्पिटल स्टाफ और अदर स्टाफ की वैकेंसी है, सब मिला जुला के वैकेंसी है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू से वीडियो को एंड तक, ठीक है। और जो मैं आपको झारखंड के बारे में वैकेंसीज अपडेट दूंगा ना, शायद ही आपको झारखंड में किसी अदर चैनल पे ही मिल पाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा घमंड के कारण नहीं बोल रहा हूँ, सच रियलिटी बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CIP चलती है, ठीक है। अंग्रेज़ों का दिया हुआ देन है, मतलब अंग्रेज लोग ही इसको निर्माण कराया था यार। और यहाँ पे बोला गया है जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, वह है 18/5/2024, यानी कि 18 मई से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग आपका जो है डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया है, रिटर्न टेस्ट होगा। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग एरिया ये सब बाद में बताइएगा सागर, पहले इस सबको बता लीजिए। चलिए तो यहाँ पर जो वैकेंसी है हमारी, कौन कौन सी पोस्ट है देखिए। नेम ऑफ पोस्ट, सीनियर रेसिडेंट की 11 पोस्टें हैं, ठीक है। हमारा है यहाँ पर टोटल ये यहाँ तक है, ठीक है। तो देख लीजिए अदर पोस्ट, न्यूरोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, रेडियो डायग्नोसिस हो गया, न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये सभी आपके साइकेट्रिक हो गए हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है, नेम ऑफ पोस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी जो ट्यूटर हैं इनके लिए 1 पोस्ट, और इसमें बोला गया है कि स्केल पे आपका दिया गया है 35,400, ठीक है, सैलरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें बोला गया है कि आप MA किए हों या फिर MSc, और किस में, तो आपका MA MSc फर्स्ट और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में तो फिर नहीं लेगा, ठीक है। इन साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन साइकोलॉजी, ठीक है, तो साइकोलॉजी में ही होना चाहिए। इसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट से हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। MPhil अगर आपने डिग्री किया है 2 का, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, लेकिन किस में, मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है, तब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्यूटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा जो हमारा पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट रिसाइडेंट, ठीक है। अरे यार, ये 11 का पोस्ट अलग है और ये 1 पोस्ट अलग है हमारा, ठीक है। तो 1 पोस्ट है ये ओनली फॉर SC कर दिया है यार, चलिए ठीक है। ये 11 पोस्ट अलग है और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपका कम से कम होना चाहिए MBBS, ठीक है, साथ ही आप पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा होने चाहिए, मतलब MBBS प्लस आपको MD या MS होना चाहिए, ठीक है, किस में, साइकोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब जिस आप फील्ड में हैं, जैसे आप न्यूरोलॉजी के लिए कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी के लिए, तो आपको न्यूरो सर्जरी में होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग में से नहीं है होंगे, शायद एक आदमी वीडियो देख रहा होगा, एक आदमी जो इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है। तो जो लोग फुलफिल करते हैं, मैं डायरेक्टली इसको पार करता हूं, वो लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको डिटेल में पता कर लेना है, ठीक है। जो लोग इतना एडुकेटेड हैं वो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया है 18 है। सैलरी मैंने बता दिया 35,000 इनको मिलेगा, और जो हमारे सीनियर रेसिडेंट हैं उनको 67,700 मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, एक मिनट यार बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ढोल का आवाज़ सुनाई देगा आपको। आगे देखते हैं, तो एक्स सर्विस मैन जितने भी होते हैं आर फोर्सेस में, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पे हेल्थ स्कीम के थ्रू हॉस्टेशन हेडक्वार्टर रांची में वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमारा जो पोस्ट है नीचे से शुरू करेंगे, चौकीदार से लेकर के। तो चौकीदार की वैकेंसी है 1, इसमें बोला गया है आपका कहाँ पे पोस्टिंग होगा, चाईबासा में, ठीक है। 16,800 रुपये दिया जाएगा। बोला गया है कि आप जो है
कहीं भी हो बस 10वीं पास होना चाहिए, लिटरेट लिखा है ना, तो 10वीं पास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी गार्ड में, सर्टिफिकेट भले आप 1 साल काम किए हो लेकिन 5 साल का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको यहाँ पे वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा फीमेल अटेंडेंट के लिए, आप मैट्रिक पास हो, साथ ही आपको जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? तो सिविल आर्मी, सिविल या आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एगो पोस्ट है गुमला में, पोस्टिंगों का 16,800 दिया जाएगा। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, ग्रेजुएट होने चाहिए क्लास 1 में आपका क्लरिकल ट्रेड में, ठीक है। आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्म फोर्स में कंप्यूटर को आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। रांची में पोस्टिंग होकर 16,800 दिया जाएगा। फिर एक क्लर्क के पोस्ट, ग्रेजुएट होने चाहिए, क्लर्क होने चाहिए आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए एगो, तो यार आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला आदमी कहाँ मिलेगा, चलिए जहाँ भी मिलेगा जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा है, फिर हमारा फार्मेसिस्ट की बी फार्मा एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी होने चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बोला गया वर्किंग नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में होना चाहिए। आर्म फोर्स जरूरी नहीं है इसमें, 2 पोस्ट है गुमला चाईबासा। नेक्स्ट है हमारा GNM डिप्लोमा, ठीक है। तो GNM के पोस्ट है नर्सिंग असिस्टेंट की, GNM होना चाहिए डिप्लोमा, क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट और आर्म फोर्स में होना चाहिए, और BSc नर्सिंग कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज, ठीक है। एक पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारा डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है BDS की, और इसमें बोला गया है कि आपको BDS का कोर्स होने चाहिए, साथ ही आपको 3 पोस्ट है रांची गुमला और चाईबासा के लिए, 75,000 सैलरी है। मेडिकल ऑफिसर MO की पोस्ट है, 75,000 सैलरी, MBBS और कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज। फिर है हमारा AIOC, ये पॉलीक्लिनिक जो भी हैं पोस्ट, ग्रेजुएट होने चाहिए, ESM ऑफिसर होने चाहिए आप, फिर आपका कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। 2 पोस्ट है रांची डाल्टनगंज, एक एक पोस्ट 75,000 सैलरी, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे कब है फॉर्म अप्लाई करने का, तो डिटेल में जानने के लिए आपको जो है यहाँ पे फ़ोन करना होगा, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज में कोई आम आदमी अप्लाई नहीं कर पाएगा, विशेष आदमी ही अप्लाई कर पाएंगे जो एक्सपीरियंस है। तो इस नंबर पे आपको फ़ोन करना होगा और आपको पता कर लेना होगा सारी चीज़ें, या फिर आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। लास्ट डेट इसका कब है, तो लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, 21 मई इंटरव्यू का डेट है, ठीक है। और लास्ट डेट 14 मई है, 14 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सब का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस टाइम पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रामगढ़ की वैकेंसी है चुटुपालू में, चुटुपालू घाटी का नाम सुने ना, बस वहीं पे स्कूल है हमारा गिरजा ग्रुप, मतलब मेरा नहीं है यार, ठीक है, गिरजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, पहले देखते हैं। तो हमारा है प्रिंसिपल HOD यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर हमारा फैकल्टी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, ये सारे पोस्ट इन सभी ट्रेड में, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, माइनिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BTech एंड MTech, साथ ही आपको PhD भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फैकल्टी की जो पोस्टें हैं इसमें हमारा है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन MA MSc BSc डिप्लोमा ITI, ठीक है। मतलब अगर आप सिंपली MA MCOM MSc या फिर BA BCOM BSc किए हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नर्सिंग फार्मेसी फैकल्टी के पोस्ट है NM GNM BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग बी फार्मा एम फार्मा, ये सभी पोस्ट हैं। अगला हमारा एजुकेशन फैकल्टी के पोस्ट MEd या फिर PhD या NET क्वालिफाइड हैं, तो अभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंट की पोस्ट है, इसमें आप सिंपली ग्रेजुएट हैं और टाइप मतलब कंप्यूटर में वर्किंग जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि MS वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, बस 2 चीज़ जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, तो अच्छी बात है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्लीज़ सेंड योर रिज्यूम, आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है ऑन बिफोर 5/5/2024, ठीक है। तो 5/5/2024 में आपको इससे पहले रिज्यूम सेंड कर देना है एट इस वाले ईमेल आईडी पे, ये ईमेल आईडी है, ठीक है। एडमिशन गोइंग ऑन फॉर सेशन, यार इसको छोड़िए ना भाई, हमें जॉब से मतलब है ना, चलिए। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं सिंपली, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए ऑफिस असिस्टेंट एंड अकाउंट में, लेकिन आपको MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आना चाहिए भाई, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो खाली भीड़ मत लगाइएगा, ठीक है, वहाँ पर जाके। चलिए आगे देखते हैं, धनबाद पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर हमारा वैकेंसी है, सिचुएशन वैकेंसी बहुत सारा है,
चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। यार इतना गर्मी से परेशान हो गया ना, फैन भी नहीं चलता है, मतलब फैन चलाऊंगा तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। पीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सारे पोस्ट हैं। टीजीटी में मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस के हैं, लाइब्रेरियन के पोस्ट है फीमेल ओनली, ठीक है, लाइब्रेरियन में केवल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पीआरटी टीचर, ऑल सब्जेक्ट लेकिन फीमेल ओनली, केवल गर्ल्स को लिया जाएगा। प्री जो आप प्राइमरी टीचर हैं उसमें बोला गया कि एनटीटी ईसीसीई, ठीक है, क्वालिफाइड फीमेल ग्रेजुएट ओनली। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल एडुकेटर की पोस्ट है आरसीआई अप्रूव्ड, और यहाँ पे बोल दिया गया कि काउंसलर की पोस्ट है, इसमें एमए इन साइकोलॉजी होना चाहिए काउंसलर की पोस्ट में। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, फीमेल को लिया जाएगा ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए हॉस्टल वार्डन के लिए, ठीक है। बोला गया है कि स्ट्रीम विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, एंड हिंदी। एज मैक्सिमम तो यहाँ पे 40 साल आपका दे दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोला है, यार ये लोग ये गलत किए हैं, कि बोला गया है कि कैंडिडेट हु लैक फ्लुएंसी इन इंग्लिश नीड नॉट अप्लाई। यार जिनको इंग्लिश में अच्छे से बोल नहीं पाते हैं वो अप्लाई नहीं कीजिएगा, ऐसा बोल दिए हैं। बताइए तो आपको हिंदी से क्या लाज लगता है यार, जो इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट, इंग्लैंड भगा देंगे लथिया के लगता है। हाँ नहीं तो नहीं, बताइए, हम लोग जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो फ्लुएंसी कहाँ से लाएगा, बताइए ना भाई। ये लोग इस तरह से गद्दारी कर रहा है, मतलब चलिए क्या बताएं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कैंडिडेट हु लैक फ्लुएंसी इन इंग्लिश नीड नॉट अप्लाई, मतलब आप अपने बच्चे को तो हिंदी बोलने भी नहीं दीजिएगा यार। जो लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे या भेजेंगे उन लोग को पढ़ने बोलने भी नहीं दिया गया, कह रही यार तुम लोग हिंदी मत बोलो, पीछे हो जाएगा। चलिए यही अन्याय होता है दोस्तों, हम सभी को ऐसे ही का विरोध करना है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं विरोध नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। जो गलत है ऐसा लिख दीजिए कि फ्लुएंसी इन हिंदी, ठीक है, एंड ऑल्सो इंग्लिश, तब लिखिए ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें। नेक्स्ट है हमारा सैलरी, तो सैलरी है यहाँ पर बोला गया है कि सेवेंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। डीए, ईपीएफ, मेडिकल एंड ग्रेचुएटी सारे फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे। अंग्रेजी सिस्टम है तो काहे नहीं देगा। जिसको मिलता है ना भारत में पूरा, जिसको नहीं मिलता है अधूरा भी नहीं मिलता है। आगे देखते हैं एसआरपी इंस्टीट्यूट फॉर लीगल एजुकेशन धनबाद, यहाँ पर हायर किया जा रहा है आपको, और ये फैकल्टी रिक्वायरमेंट है एलएलबी के लिए। प्रिंसिपल ये देख लीजिए, और एसोसिएट जो प्रोफेसर रहेंगे, ठीक है, प्रोफेसर एसोसिएट ये यहाँ पे दे दिएगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस, सैलरी वगैरह सब कुछ पता कर लीजिएगा, अपना सीवी भेज दीजिएगा इनको, ठीक है। सेंड योर रिज्यूम सेंड करना है ऑन और बिफोर 1/5/2024, ये आपका रहा ईमेल आईडी, सेंड कर दीजिएगा। चलिए ख़त्म करते हैं आज का मेला, फिर लगाएंगे किसी और दिन ठेला, बाय। तो जोहार दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अपडेट देता रहूँगा। जिनको अप्लाई करना है कर लीजिएगा, 10th 12th वाले अभी सब्र कीजिए, कोई स्किल सीख लीजिए आप अपने हाथ का, कला सीखिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई होता रहेगा भाई, कला सीख लीजिएगा तो काम देगा जीवन में, ठीक है, दो पैसा कमाइएगा, नहीं तो भूखे मर जाइएगा। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।